400 पर रख ले, 435 पार हो तो नई खरीदारी की बिराए। वेदांता वागले साहब, फंड रेजिंग करिए 8,500 करोड़ की और QIP में लगभग सभी बड़े डोमेस्टिक फंड्स और कुछ अच्छे इंटरनेशनल फंड्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, एक बार वेदांता के चार्ट पर राय दें। दीपांशु एक कंसोलिडेटिव रेंज में है, लेकिन 445 ब्रेक करना अच्छी बात नहीं है। 445 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरा व्यू इसमें बुलिश रहेगा। मेरा व्यू पहले बुलिश था, लेकिन 445 के नीचे थोड़ा सा वीक हो गया। डाउनसाइड 434-425 ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपसाइड 460 का टारगेट है। तो ये है आपके लिए वेदांता, इस पर भी रहेगी नजर। कमजोर